नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि क्या आप लोग को मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखना है, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाइए आप। तो चलिए आज अपने ट्रेडिंग सेटअप का टूर कराता हूँ आप लोग को। मैं दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का हमारे पास डेस्कटॉप है, मैं कितनी स्क्रीन को यूज़ करता हूँ, तो सारे इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताता हूँ। तो आ जाइए इधर आप लोग। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा ट्रेडिंग सेटअप होगा तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। वन स्क्रीन या वन लैपटॉप से भी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, उसमें भी 8 स्क्रीन देखने का ऑप्शन अवेलेबल है आजकल। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। हाँ, जब आप बड़ी क्वांटिटी करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं, तो आपके पास थोड़ा सा ट्रेडिंग सेटअप बड़ा होना चाहिए, जिससे आपको चीजों को समझ सके, आप अपने टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस कर सके और कंटिन्यू चार्ट को आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे अभी 3 स्क्रीन लगी हुई है, 3 हमारे पास बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ये है LG की अल्ट्रा वाइड 34 इंच की, ये भी LG की अल्ट्रा वाइड 34 इंच स्क्रीन है, और वो हमारे पास 27 इंच की स्क्रीन है LG की। ये तीनों ही स्क्रीन हमारी LG की है और तीनों ही स्क्रीन हमने Amazon से मंगाई थी। तो ये स्क्रीन अल्ट्रा वाइड है, जिसमें खासियत ये है कि ये स्क्रीन को आप 8:4 यानी 8 बार स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे जरा दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप इसको स्प्लिट का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप 8 पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 4 पार्ट चाहिए, 3 पार्ट चाहिए आपको, 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, किस तरह से आपको स्प्लिट करना है, ये इसमें इनबिल्ट आता है। ये बाकी किसी स्क्रीन में नहीं आता है, तो इसमें इनबिल्ट आता है, इसलिए मैंने ये LG की स्क्रीन मंगवाई थी। इसमें हम 8 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए, अभी हमारे पास ये जो 3 स्क्रीन लगी हुई है, जो तीनों स्क्रीन है, ये 2 स्क्रीन यानी ये हमारा जो मेन टर्मिनल है, और ये स्क्रीन जो है वो हमारे इस CPU से कनेक्टेड है, जो मेरा मेन CPU है, ये नीचे रखा हुआ है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो है, यहाँ पे 16 GB रैम है इसमें, 5.16 का SSD है इसमें, 1 TB हार्ड डिस्क है इसमें, और ये i7 8th generation है, यानी लेटेस्ट जनरेशन है, और i7 का ये कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ये इससे हम 2 स्क्रीन कनेक्ट करते हैं। पहली स्क्रीन हमारा ये जो है मेरा सर्वर पॉइंट है, तो पहली स्क्रीन हमारी इसमें चल रही है। तो जब इसको हम सेकेंड स्क्रीन में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक कनेक्टर चाहिए जो कि BGMA to HDMI है, यानी इसमें BGMA लगा हुआ है। तो इससे हम BGMA से ये हमारा ये पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें कनेक्ट करते हैं, और ये उसको वापस ले जाके HDMI में कन्वर्ट करके इस स्क्रीन पे दिखाता है। दोस्तों, जो मेरी ये स्क्रीन कनेक्टेड है वो हमारे लैपटॉप से कनेक्टेड है। तो इस लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारा वो है, यहाँ पे 8 GB रैम है, 5.16 का इसमें भी SSD लगा हुआ है, 500 GB का इसमें हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और ये i3 है, i3 का ये 7th generation है। इसको मैंने लिया था शायद मेरे ख्याल से 4 साल पहले इसको लिया था, और ये मैंने अभी तैयार करवाया है। इसको अभी लिए हुए हमें करीब 8 से 9 महीने हुए हैं। हमारे पास एक लैपटॉप, ये लैपटॉप है, छोटा लैपटॉप है ये, एक लैपटॉप है, ये i7 का 8th generation है, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है ये, इसमें 16 GB रैम इसमें भी है, 5.16 का इसमें SSD लगा हुआ है, इसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इसे ज्यादा इंस्टॉल नहीं करता हूँ, ज्यादा इसमें 1-2 सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर लिए जो कि मार्केट, जैसे पाई, जीरोधा, काइट, ये सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है जिससे हमें फास्ट स्पीड मिलती है। अब जो इसमें हमने 5.16 का SSD लगाया है, वो SSD से फायदा हमारा ये है कि हमारे जो स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट ओपन रहते हैं, हर जगह यहाँ पे 4 से 6 चार्ट ओपन रहेंगे, कुछ पावर पॉइंट ओपन है, कुछ मान लीजिए न्यूज के चैनल ओपन है, कुछ अलग अलग वेबसाइट हमारे पास ओपन रहती है, तो उससे क्या होता है, जो प्रोसेसिंग होता है वो फास्ट होता है, इसलिए हमने इसमें SSD लगवाई हुई है। अब देखिए, इस जो मेन टर्मिनल है हमारा, ये मेन चार्ट है, इसमें मैं सेटअप कैसे करके रखता हूँ, सारी ये स्क्रीन आपको दिख गई कि मेरे पास क्या है। मेरे पास 3 स्क्रीन है, 2 लैपटॉप है, हमारे पास 2 मोबाइल है, जो भी कभी मान लीजिए नेट चला गया या फिर लाइट कभी अचानक चली गई, तो हमारे पास एक मोबाइल ये है सैमसंग का गैलेक्सी S9 Pro है, और दूसरा मोबाइल जो हमारे पास है वो है रेडमी का 8 Pro। तो ये 2 मोबाइल हमारे पास अर्जेंट के लिए, कभी कुछ हो जाए तो। दो हमारे पास 2 लोकल इंटरनेट कनेक्शन है, मान लीजिए कभी एक में प्रॉब्लम हो गई तो दूसरा हमारा कंटिन्यू चालू रहेगा, इसलिए हमारे पास 2 इंटरनेट प्रोवाइडर हमने लिए हुए यहाँ पे, और बाकी मोबाइल का तो जो है वो है ही है। अब देखिए, मैं स्क्रीन का जरा टूर कराता हूँ, आपको समझाता हूँ कि हमारी स्क्रीन पे क्या क्या चीजें मैं लगा के रखता हूँ, क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ। जो हमारी देखिए पहली स्क्रीन है, पहली स्क्रीन पे हमारे यहाँ पे टर्मिनल लगा हुआ है, जो कि हमें सारे स्टॉक का प्राइस यहाँ पे दिखता रहता है। यहाँ पे अलग अलग मैंने वॉच लिस्ट बना के रखी हुई है, जैसे ये देखिए Nifty 50 की वॉच लिस्ट है, इसमें Nifty 50 के सारे स्टॉक्स ऐड है। यहाँ पे बैंक निफ्टी है, जैसे कि आपको पता है कि मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन में ज्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मेरा फोकस बैंक निफ्टी पे रहता है, तो बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं।
यहाँ पे देखिए आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक यहाँ पे ऐड हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से स्टॉक, देखिए बीएल 10% डाउन है और ऊपर की तरफ देखा जाए तो डाबर आज 4% ऊपर है। तो ये हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है। निफ्टी मिड कैप के हमने एक वॉच लिस्ट यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है अलग से, और एक वॉच लिस्ट हमारे पास जो है वो बाय डिफॉल्ट हमने अलग अलग स्टॉक इसमें ऐड किए हैं, जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स है वो हमने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। अब इसके बाजू में दो स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रही है, ये चार्ट हमारा चार्ट जो है वो हमारा कॉल का है। ये बैंक निफ्टी कॉल का चार्ट है ऊपर, और नीचे बैंक निफ्टी पुट का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो कॉल और पुट के चार्ट यहाँ पे लगे रहते हैं। अगर इसको मुझे बाइंग करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डायरेक्ट इस जगह पे, और हमारे पास बाइंग का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करना है और आपको बाइंग कर लेना है। उसी तरह से पुट में भी है, इसको मैं टाइप करूंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का हमारा ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हो जाता है। मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लिक करके चार्ट भी देखना है मुझे फुल, तो फुल चार्ट का भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। इसमें भी सिर्फ कॉल और पुट के चार्ट लगे हुए हैं। अब ये दूसरी स्क्रीन जो हमारी है, ये मेन स्क्रीन है चार्ट की, चार्ट के लिए हमारी मेन स्क्रीन यही है क्योंकि मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ही करता हूँ। तो यहाँ पे बैंकिंग के स्टॉक्स लगे हुए हैं। पहला ये जो चार्ट है ये है बैंक निफ्टी का। अब मैं इसको आपको क्लिक करता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास बैंक निफ्टी का ऑप्शन, देखिए सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है। अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 30971 पे, बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जो सेकंड चार्ट लगा हुआ है ये, जैसे कि आपको पता है कि मैं सारा गेम जो है बैंक निफ्टी का वो वेटेज कैलकुलेशन पे मैं वेट करता हूँ कि किसका वेटेज कितना है, कौन से स्टॉक्स कितनी मूव कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो पहला चार्ट यहाँ, सेकंड चार्ट जो लगाया हुआ है वो हमारा आईसीआईसीआई बैंक का मैंने लगा के रखा है यहाँ पे। सेकेंड चार्ट हमारा आईसीआईसीआई बैंक का है यहाँ। थर्ड चार्ट जो लगा है वो हमारा एक्सिस बैंक का लगा हुआ है। ये जो फोर्थ चार्ट है वो हमारा एसबीआई का लगा हुआ है। अब सेकंड रो में देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा कोटक बैंक का चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ हमारा इंडसइंड बैंक का चार्ट लगा हुआ है। तो सात बैंक के चार्ट, सॉरी छह बैंक जो मेरे फेवरेट छह बैंक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, कोटक और इंडसइंड बैंक, इन छह चार्ट या छह बैंक पे मैं फोकस करता हूँ अपने ऑप्शन के ट्रेड निकालने के लिए, और जो आप लोग को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो ये सारी रिसर्च इस स्क्रीन से होकर निकलती है। बैंक निफ्टी यहाँ पे मुझे दिखता रहता है कि बैंक निफ्टी किस तरह से वेट कर मूवमेंट कर रहा है। वो हमारा लैपटॉप है, कुछ बाइंग सेलिंग करनी है तो मैं वहां से भी जाके, लैपटॉप से भी जाके बाइंग सेलिंग, मुझे कॉल पुट को भी बाइंग करना है तो यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। जो ऊपर हमारे पास एक स्क्रीन लगी हुई है वो स्टॉक की स्क्रीन लगी हुई है। वो स्टॉक यहाँ पे रहते हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में आज है। जैसे मान लीजिए आज मेरी वॉच लिस्ट में डाबर था, तो डाबर यहाँ पे लगा हुआ है, हीरो मोटो यहाँ पे लगा हुआ है, सेंचुरी टेक्सटाइल है, और यहाँ पे एक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो जो मेरे मेन फोकस होते हैं स्टॉक्स के, वो स्टॉक्स में यहाँ पे रोटेट करके चार्ट उनके देखते रहता हूँ, उनके चार्ट में यहाँ पे लगा सकता हूँ, और मुझे चार्ट देखने रहते हैं। तो मेरे पास छोटा लैपटॉप है, इस लैपटॉप पे भी चार्ट में देखते रहता हूँ। देखिए मेन फोकस मेरा इस स्क्रीन पे होता है, इस स्क्रीन को देख के मैं सारे कैलकुलेशन करते रहता हूँ कि कौन सा स्टॉक कितनी मूवमेंट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी कितना ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। तो मेरा ये ट्रेडिंग सेटअप है। मेरे पास तीन स्क्रीन है, दो लैपटॉप है और दो मोबाइल है, जो कि हर वक्त यहाँ पे काम पे लगे हुए रहते हैं, कोई भी बंद नहीं रहता है। ये पांचों चीजें कंटिन्यू यहाँ पे वर्क करती रहती है। कुछ यहाँ पे मेरे पास मोटिवेशनल कुछ कोट लगे हुए हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मोटिवेशनल कोट मैंने लगा के रखे हैं जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहता है। मैं अपने काम पे थकता नहीं हूँ, मैं अपने काम को करता रहता हूँ। कभी मैं फेलियर होता हूँ तो मैं निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जीवन का एक अंग है, जीवन का अभिन्न अंग है। आप हिस्से में हार भी आएगी, जीत भी आएगी, हार से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये सब मोटिवेशनल कुछ कोट यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे पास में, जो मुझे बताते रहते हैं कि भाई जीवन में हार होती रहती है, हार से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, मायूस नहीं होना है हार से दोस्तों। अगर आपके पास लगन है, क्षमता है, चीजों को करते रहिए, सफलता तो एक ना एक दिन हासिल होगी ही होगी। तो ये लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पे मेरे पास हेडफोन है, जैसे आप लोग के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाता हूँ तो ये यहाँ पे मैं हेडफोन रखा हूँ। यहाँ पे एक ये ट्राइपॉड है छोटा सा। बाकी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैनन की 800D से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेरा एक फ्रेंड है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग उनको जानते हैं जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, वही हमारे फ्रेंड है जो कि इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे पास एक ही छोटा सा कैमरा है जो मैं लाइव आता हूँ आप लोग के पास में, ये है लॉजिटेक का 16 मेगापिक्सल का हमारे पास ये कैमरा है जिससे मैं आप लोग के लिए लाइव आते रहता हूँ। मेरे पास एक चेयर, ये छोटी सी जो दो चेयर पड़ी है जिससे मैं बैठता हूँ, एक चेयर इधर है और एक चेयर इधर है। तो दो चेयर पे कभी मेरा फ्रेंड हुआ आता है तो हम दोनों लोग यहाँ पे बैठते हैं।
जनरली मैं अकेले रहता हूँ हर समय, तो मैं अकेले बैठ के यहाँ पे देखते रहता हूँ और सारी चीजों को अकेले मैं ये चीजें हैंडल करता हूँ। हमारे पास कोई टीम नहीं है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बहुत बड़ी टीम होगी, कोई टीम है। दोस्तों किसी टीम की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे देखना है चार्ट, मुझे देखना है ट्रेड, मुझे निकालना है, तो कोई टीम हमारी यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकती है। सारे चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया, टर्मिनल मेरा यहाँ पे चल रहा है, चार्ट यहाँ पे चल रहा है, एक चार्ट मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पे। अब जो मुझे ट्रेड लेना है वो स्क्रीन से लूंगा या लैपटॉप हमारे पास रहते हैं, लैपटॉप से मैं जाके ट्रेड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेडिंग सेटअप। तो दोस्तों ये हमारे पास छोटा सा हमारा ट्रेडिंग रूम है जिसमें मैं बैठ के ट्रेडिंग करता हूँ। ये हमारे पास दो कीबोर्ड है और दो माउस भी यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके, सारे चार्ट को मैं देख करके अपने ट्रेड को निकालता हूँ और आप लोग को कुछ वहां भी पोस्ट करते रहता हूँ, रिसर्च वहां पे पोस्ट करते रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जीरोधा में एक अकाउंट ओपन कीजिए हमारे लिंक के थ्रू, और लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस लिंक के थ्रू आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अभी मैंने ये सारा सेटअप तैयार कर लिया है, तो सपोर्ट ग्रुप में मैं कुछ बेस्ट रिसर्च अब पोस्ट करता रहूंगा डेली, मैं वहां पे रिसर्च कुछ ना कुछ अब पोस्ट करते रहूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ट्रेडिंग रूम। आप लोग को हमारा ट्रेडिंग रूम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।